किसानों को परेशानी क्या रहता है? थ्रिप्स हो गया, इल्ली हो गया, मोटा कीड़ा की समस्या के लिए किसानों को बहुत सारे दवाइयाँ उपयोग करनी पड़ती है। लेकिन पीआई कंपनी की तरफ से आने वाली ब्रो फ्रेया एक ऐसी दवा है, रामबाण दवा इसको बोला जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे फसलों पर। आज हम इस वीडियो पर इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा कि थ्रिप्स हो गया, इल्ली हो गया या फिर मोटा कीड़ा की समस्या, ये सब की परेशानी को हमारे किसान भाई कैसे सॉल्व करें। और बहुत ही अच्छी दवा है और आज हम इस वीडियो पर इस दवा के बारे में डेडिकेटेड जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, खासकर ये कौन कौन सी फसलों पर काम करेगी, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, मिर्ची हो गया, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, इसमें ये कैसे काम करता है आज हम इस वीडियो पर एकदम ए टू जेड जानकारी आज हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसमें क्या है कि जो मोटा कीड़ा की जो समस्या आती है या फिर जो इल्ली हो गया, ये सब की जो समस्या आती है ना, जो पत्ता गोभी और जो फूल गोभी है इसमें सेम परेशानी आती हैं जो कि आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। मिर्ची की बात करें, इसमें क्या है कि तना छेद, एक मोटा कीड़ा हो गया या फिर थ्रिप्स, इसमें ये काम कर सकते हैं। देखिए थ्रिप्स के लिए या फिर मोटा कीड़े बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, अगर रेट की बात करें, अगर वो सबका अगर एक साथ उपयोग करने वाले हैं तो प्रति टंकी आपको 200 250 300 रुपये आसपास, ज़्यादा ही 500 रुपये तक पहुंचता है। लेकिन किसानों का क्या है इसमें ना कि खर्च भी बचता है, प्लस इसमें क्या है कि आप जैसे डालेंगे ना तो अच्छा भी रहता है, हमारे किसान भाई इस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। बैंगन और भिंडी की बात करें, इसमें क्या है कि फल छेद, तना छेद और मोटा कीड़ा, ये सब के लिए ये दवाई काम करती है। देखिए मैंने जो बताया बहुत सारे फसलों पर ये काम करती है, बेसिकली जो खास जो फसल के लिए काम करने वाली है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी बता दी है। देखिए किसान भाइयों, किसानों को क्या परेशानी आती है, देखिए बरसात का सीजन अभी बेसिकली चल रहा है और कभी भी ऐसा हो सकता है कि मौसम कभी बदल सकता है और पानी आ सकता है। अगर आप ऐसा आपको जानकारी कुछ बताना चाहूँगा जो कि कोई और दवा इतना अच्छा काम नहीं करता है, जैसे कि पानी, जैसे आप पानी आने से पहले आधा घंटा पहले स्प्रे किए हैं, ठीक है, जैसे अभी स्प्रे किए हैं और पानी आ गया आधा घंटे के बाद, तो इसमें कोई आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि पानी आ गया तो 50% काम करेगा या फिर 40% काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें 110% ये काम करेगा तो करेगा। इसमें ऐसा उपयोग ही किया गया है कि पानी आया चाहे कुछ, बस आधा घंटा इसको समय मिलना चाहिए ताकि ये अपना कर सके। और देखिए बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि अगर पानी आ जाए आधा घंटा बाद या फिर कितने भी टाइम आता है, क्या होता है कि अपना पूरा दवा खराब हो जाता है, बट ऐसा इस दवा में नहीं है। दवा की बात करें, इसको हमको यूज़ कैसे करते हैं, 50 ml का डिब्बा आता है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं, 200 लीटर पानी में आप इसको घोलिए और 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रे की टाइमिंग, हम एक फसल पर इसको कितने बार स्प्रे करें, बेसिकली 5 से 6 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहली बात करें रोपाई की, 10 से 15 दिन में आप इसका पहला स्प्रे करिए, फिर 15 से लेकर के 30 दिन बाद इसका सेकंड स्प्रे कर सकते हैं आप, 17 बार 30 से 45 और चौथा बार 45 से 60 दिन के बाद, जैसे अपना हार्वेस्ट के लिए रेडी होता है ना, उसके बाद हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें, क्या रेट पर हमारे किसान भाई को मिलेगा ये, देखिए 50 ml का रेट रहता है 1800 रुपये। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन काम जो आप बहुत सारी मिक्स दवाई को मिक्स करेंगे उसके बाद जाकर काम करेगा, लेकिन ये जो दवा है ये खाली एक ऐसा दवा है कि जो सारा चीज़ एक ही दवा में कंप्लीट करता है। जो हमारी पीआई कंपनी है ना, वो क्या कर रही है कि 550 रुपये में जो इक्विपमेंट्स आते हैं दवाई स्प्रे करने के समय, जैसे जूता हो गया या फिर जो गम्बूट हो गया, फिर चश्मा हो गया, कैप हो गया, जो भी अपना ग्लव्स हो गया, ये सब जो इक्विपमेंट्स रहती हैं वो 550 रुपये में, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट लग रहा है बस उसी कॉस्ट में जो आप रिटेलर से जा करके प्राप्त कर सकते हैं, केवल 550 रुपये में पीआई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। निकल की बात करें, इसमें ब्रोफेलेनाइड 20% SC का इसमें टेक्निकल उपयोग किया गया है। किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो पर बताया थ्रिप्स हो गया, इल्ली हो गया, मोटा कीड़े की समस्या के लिए रामबाण दवा के बारे में आज हम इस वीडियो पर डिस्कशन किए हैं। हमारे किसान भाइयों को वीडियो जरा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आपको इस एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही।